नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नया फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो इनकम है वो 1 अप्रैल 2022 से फ्लैट 30% से टैक्सेबल होने वाला है। यानी कि अगर आप कोई क्रिप्टो 110 रुपए की खरीदते हैं और उसको बाद में 200 रुपए की बेचते हैं और उसपे आपने टोटल 4 रुपए का ब्रोकरेज पे किया है, तो दोस्तों आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 200 माइनस 110 यानी कि 90 रुपए है। और 4 रुपए जो आपने ब्रोकरेज का खर्चा दिया है वो इसमें से एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 90 रुपए, और आपका जो टैक्स बनेगा वो 90 रुपए पे फ्लैट 30% यानी कि 27 रुपए आपका टैक्स बनेगा। तो ये चीजें आपको जो है ये ध्यान रखना है कि फ्लैट 30% जहां आपको टैक्स लगेगा। और एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है दोस्तों कि 2.5 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है वो भी सेक्शन 115 BBH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार वो एग्जम्पशन लिमिट भी आपको इस पे नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपकी सिर्फ क्रिप्टो इनकम है तो आपको फ्लैट 30% से टैक्स देना है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 80C की जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है वो भी क्रिप्टो इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि आपको जो भी क्रिप्टो की इनकम बनती है, जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में 90 रुपीज बनती थी, उस पे आपको फ्लैट 30% यानी कि 27 रुपए जो है आपको टैक्स देना है। उसमें आपको जो बेसिक एग्जम्पशन का स्लैब है 2.5 लाख वो नहीं मिलेगा, 80C की जो छूट है 1.5 लाख की वो भी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपका क्रिप्टो हेड में लॉस है और दूसरे हेड में, यानी कि आप चाहे सैलरी इनकम है, चाहे आपकी बिजनेस इनकम है, या आपने कोई और कैपिटल गेन अर्न किया है, मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट से कुछ कमाई करी है, तो क्रिप्टो का ये लॉस उस हेड से भी एडजस्ट नहीं होगा। क्रिप्टो का लॉस वहीं खत्म हो जाएगा और जो बाकी हेड की इनकम है उस पे आपको टैक्स देना होगा। और दोस्तों, ये जो आपका क्रिप्टो का लॉस है ये इसी साल में खत्म हो जाएगा। आप उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके अपने क्रिप्टो के प्रॉफिट से भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं इन्होंने जो है क्रिप्टो की ट्रेडिंग पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं। तो दोस्तों, ये जो है मैंने आपको टैक्स से रिलेटेड बताया है। इसी तरह हम एक वीडियो जो TDS लगने वाला है 1%, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए, कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो TDS से रिलेटेड होगा वीडियो, वो भी जरूर देखें ताकि आप उसके बारे में पूरी जानकारी पा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए।